आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। जब भी किसी जोड़े की शादी होती है तो उसके कुछ टाइम बाद ही जो घर की बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं या फिर महिलाएं होती हैं वो खिंचाई करने लगती हैं, छेड़खानी करने लगती हैं, और ये जो प्यार से छेड़ने वाले शब्द होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि वो जोड़े से पूछते हैं कि भाई खुशखबरी कब दे रहे हो, गुड न्यूज़ कब दे रहे हो। अब चूँकि हिंदुस्तान में एक जोड़ा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो है सीमा हैदर और सचिन मीणा का, जिनका चाहे करवा चौथ हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे नवरात्र हो, हर कोई देखना चाहता है कि भाई सीमा हैदर यहाँ हिंदुस्तान में आकर कैसे हिंदुओं से जुड़े हुए त्यौहारों को मना रही हैं और कैसे उनकी रौनक उनके चेहरे और उनके घर पर नज़र आ रही है। रौनक तो वैसे कमरे में चारों तरफ सीमा हैदर के नज़र आती है और ये रौनक अब उनके चेहरे से भी नज़र आने लगी है। लेकिन अब चूँकि दोनों मंदिर में जाकर शादी कर चुके हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, और सीमा हैदर की इच्छा ये है कि भारत की नागरिकता मिल जाए, कानूनी मान्यता मिल जाए, तो फिर मैं सबके सामने पब्लिकली भी शादी करना चाहूँगी। लेकिन चूँकि ऑलरेडी पति पत्नी की तरह सीमा हैदर और सचिन मीणा रह रहे हैं और ऑलरेडी चार बच्चे सीमा हैदर के हैं, आपको याद होगा जब हिंदुस्तान में आई थी सीमा हैदर, उस वक्त उनकी प्रेगनेंसी की खबर बहुत ज़्यादा फैली थी और लोगों ने ये कहा था कि भाई सीमा हैदर प्रेग्नेंट हो गई हैं, या फिर कुछ टाइम बाद कहने लगे सीमा हैदर ने बच्ची को जन्म दिया है या सीमा हैदर ने बेटे को जन्म दिया है। इस तरह की फेक न्यूज़ आपने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखी और सुनी। लेकिन सीमा हैदर और सचिन मीणा जब साथ में पति पत्नी की तरह रह रहे हैं तो अब जो सोशल मीडिया पर जुड़े हुए उनके दोस्त हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, अब वो भी उनसे सवाल पूछने लगे हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी जानकर, जब एक फॉलोअर ने उनसे पूछा कि भाई खुशखबरी आप कब दे रही हैं, ये गुड न्यूज़ कब आएगी, तो सीमा हैदर ने बड़े मुस्कुराते हुए ब्लश करते हुए कहा कि बहुत ही जल्द ये खुशखबरी आपको मिलेगी। पहले ये सुन लीजिए आप, खुशखबरी कब दे रही हैं, बहुत जल्द सबको मिठाई खिलाएंगे। सुना आपने, सीमा हैदर से जब एक चाहने वाले ने ये सवाल पूछा तो सीमा हैदर के चेहरे की चमक बढ़ गई और सीमा हैदर ने कहा कि बहुत जल्द, यानी कि जिन जिन को सीमा हैदर और सचिन मीणा की ये जोड़ी पसंद है उन्हें उनकी लाइफ से जुड़ी हुई बातों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है और उन्हें बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि सीमा हैदर आज क्या कर रही हैं, सीमा हैदर और सचिन मीणा की ज़िंदगी में अब क्या चल रहा है, या फिर अगर त्यौहार है कोई तो त्यौहार किस तरीके से मनाया। बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सीमा हैदर करवा चौथ के दिन कैसे तैयार होंगी, कैसे करवा चौथ रखेंगी, कैसे उनका व्रत वो खोलेंगी, कैसे वो करवा चौथ की पूजा करेंगी। ये सभी सवाल लोगों के जहन में बने हुए थे और उनमें से एक सवाल ये भी है जो कि बड़ा खास भी है, क्योंकि चार बच्चों की माँ ऑलरेडी हैं सीमा हैदर और अब यहाँ हिंदुस्तान में आ गई हैं, सचिन मीणा से शादी कर दी है और अब इन दोनों के पहले बच्चे यानी कि सीमा हैदर का पांचवा बच्चा लेकिन सचिन मीणा से होने वाले पहले बच्चे का इंतज़ार भी बहुत से चाहने वालों को है और इसी से जुड़ा हुआ सवाल सोशल मीडिया पर उनसे पूछ लिया गया, वो भी तब जब वो लाइव थी। लेकिन सीमा हैदर ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि ऑलरेडी मेरे चार बच्चे हैं तो मैं पांचवा क्यों करूंगी या फिर क्यों होगा। सीमा हैदर ने बड़ा ब्लश करते हुए कहा कि बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी और आपको मिठाई भी खिलाएंगे। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द ये गुड न्यूज़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करेगी या फिर अपने चाहने वालों को बताएगी। सीमा हैदर की हेल्थ को देखकर कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, हो सकता है आने वाले वक्त में इस बात को डिक्लेयर कर दें सीमा हैदर। अभी के लिए तो आप ये संतुष्टि रखिए जो जो इस जोड़ी को पसंद करते हैं कि हाँ इस जोड़े से गुड न्यूज़ आने वाले वक्त में मिल जाएगी, ये सीमा हैदर ने बात पक्की कर दी है।